हेलो फ्रेंड्स, ये गाड़ी है होंडा जैज और होंडा जैज का ये मैंने डैशबोर्ड के नीचे जो आपका ग्लव बॉक्स होता है ये नीचे किया हुआ है, नीचे करके निकाला है मैंने केबिन फिल्टर। मेन मकसद क्या है आपको बताने का, केबिन फिल्टर के अंदर देखेंगे आप इतने सारे ये चूहों ने इस हाल लाके इकट्ठा किया है और ये चूहों की बीट भी यहाँ पे इकट्ठा है। अब जो मेन पर्पस है इस वीडियो का, बहुत छोटी सी वीडियो है और बहुत सिंपल वर्डों में आपको समझा दूंगा, क्योंकि इसके जो यहाँ चूहे आने का रास्ता है वो आपके केबिन में अंदर आने का रास्ता आगे से शुरू होता है। आगे से शुरू कहां से होता है, एयर इंटेक लाइन। एसी जो एयर इंटेक करता है जब बाहर की एयर लेता है तो उसके लिए एक होल बना हुआ रहता है और उस होल के अंदर से चूहे ट्रेवल करके यहां तक पहुंच जाते हैं और यहां पहुंचने के बाद क्या करते हैं, ये फिल्टर को डैमेज करते हैं और फिर पूरे आपके केबिन में ये कहीं भी घूम फिर सकते हैं। तो केबिन में आने की जगह हमको करनी होगी बंद, और बंद ऐसे करनी होगी कि हवा अंदर आ सके लेकिन चूहे एंटर ना कर सके। तो उसके लिए हम एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करेंगे गाड़ी में और वो मॉडिफिकेशन DIY है, आप खुद कर सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूं करना क्या होगा। अब ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी का मैंने फ्रंट काउल हटाया हुआ है, वाइपर वगैरह यहां लगे होते हैं ये मैंने हटा दिया है। ठीक, इससे पहले भी वीडियोस मैंने आपको दिखाया चूहे अंदर जाने की जगह, वो एंट्री आपको देख रही होगी ये पॉइंट, ये जो होल दिख रहा है आपको ये होल है एयर इंटेक के लिए और यहां से चूहे ट्रेवल करके अंदर चले जाते हैं और ये यहां पे रहते भी हैं। ये देख रहे हैं चूहों की बीट, यहीं पे चूहे रहते हैं, यहां से अंदर जाते हैं बाहर आते हैं, एक तरह से उनके लिए कंप्लीट सेटअप बना हुआ है अपने दांतों को भी साफ करने के लिए और वो जो भी चीजें होंगी काटेंगे और गाड़ी में कभी भी कितना भी डैमेज कर सकते हैं, उसके लिए हम कभी मेजर नहीं कर सकते क्या डैमेज वो कर दें। हो सकता है कौन सा सेंसर काट दें या फिर कोई पाइप काट दें। तो इसके लिए सिंपल सोल्यूशन है, यहां पे हमें इंस्टॉल करना होगा एक जाल। जाल मैं कहां से लाऊंगा आपको दिखाता हूं। ये एयर फिल्टर है बोलेरो का और ये पुराना एयर फिल्टर है, मैंने निकाल दिया। इसके अंदर यहां पे एक जाली लगी हुई होती है, स्टील की जाली, वो स्टील की जाली है ये राउंड करके लगी होती है। मैंने इसको अंदर से सिंपल बाहर निकाला और दो पीस में डिवाइड कर लिया, दो पीस में। अब सिंपल यही जाली हमें इंस्टॉल करनी है, यहां देख रहे हैं ये जाली हमको इंस्टॉल करनी है यहां पे कुछ इस तरह से, ऐसे। जब ये जाली यहां इंस्टॉल हो जाएगी इस तरह से तो एयर तो आर पार जा सकती है लेकिन चूहे यहां से एंटर नहीं कर सकते। एक चीज और आपको मैं शेयर करूं, अगर मैं चाहता यहां पे छोटी जाली भी लगा सकता था, छोटी जाली जो लोग हम लोग विंडोज वगैरह में लगाते हैं, लेकिन वो जाली बिल्कुल भी काम की नहीं है, उसको चूहे काट देंगे और इस जाली को चूहे कभी भी काट नहीं सकते, इसके लिए मैंने ये वाली जाली चुनी है। अब मुझे इसको फिक्स करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ पे ड्रिल करूं और स्क्रू टाइट करूं, और दूसरा ऑप्शन सिंपल है, ये है सीलेंट। ये सीलेंट है सिलिकॉन सीलेंट जिससे हम लोग विंडो के ग्लास वगैरह चिपकाते हैं, सॉरी ये विंडशील्ड वगैरह जिससे हम चिपकाते हैं ये सीलेंट है। इस सिलेंट को निकाल के और मैं इस जाली को यहां पे कर दूंगा फिक्स। इसके लिए पहले मुझे यहां पे करनी होगी क्लीनिंग और क्लीनिंग करके इसको फिक्स करना होगा। अब इसको लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें लगाने में थोड़ी बहुत भी चूक होगी तो सही से परफेक्ट फिट नहीं हो पाएगा। लगाने के तरीका में क्या क्या है, छोटे छोटे टिप्स है, अभी आगे देखिए मैं आपको दिखाता हूं करना क्या है। सबसे पहला काम देखिए, चूहों की एंट्री रोकने के लिए चूहों को समझना जरूरी है। चूहे जहां भी अपना निशान देखेंगे वहां दोबारा आएंगे, तो इसलिए चूहों के जो भी ट्रेसेस हैं, मार्क्स हैं, वो चीज हमको वहां से क्लीन करने होते हैं। तो ये बीट वगैरह जितने भी हैं इनकी, ये यहां से मैं हटाऊंगा, हटा दी मैंने सब इनकी यहां से। अब ये लिया मैंने सैंड पेपर और सैंड पेपर से जो ऊपर का सरफेस है ये सरफेस को करूंगा क्लीन, ताकि जब मैं सिलिकॉन लगाऊंगा तो वो उसकी पकड़ अच्छी हो, कोई डस्ट वगैरह इस पर ना रहे, इसके लिए मैं सैंड पेपर यूज करूंगा। हर जगह थोड़ा थोड़ा लग जाना चाहिए जिससे कि सिलिकॉन अपनी पकड़ कर सके। कपड़े से इसको क्लीन कर लूंगा। अब इसके नीचे यहाँ ये जो आपको शीट दिख रही है, शीट के नीचे एक स्लॉट्स बनी हुई है, वो स्लॉट मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि कैमरा अंदर तक जा नहीं सकता। अच्छा, हर एक गाड़ी में ये जगह डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होती है तो उसका साइज थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मैंने इसका साइज लिया था, यहां से यहां तक मुझे चाहिए था 12 इंच और यहां से यहां तक मुझे चाहिए था 4 से 5 इंच।
तो उसी साइज की मेरे को जाली मिल गई। हो सकता है कुछ गाड़ियों में छोटा आता हो या कुछ गाड़ियों में बड़ा आता हो, लोकेशन किसी की ऊपर होगी किसी की थोड़ी और अंदर होगी। तो मैं इस गाड़ी के हिसाब से कर रहा हूँ, आप सेम मेथड को अपनी कार के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। पहले ये जाल मैं इंस्टॉल, पहले इसको इस तरह से अंदर ले जाना पड़ेगा। अब नीचे मैंने जब ऐसे फंसाया तो वो स्लॉट में फंस गया शीट की, और यहां से बराबर आया, यहां से बराबर। राइट, सीलेंट निकालने के लिए पीछे से प्रेस करना पड़ता है, और ये मैंने पहले यूज किया हुआ है, और इसके लिए जरूरत पड़ती है गन की। आसान तरीका बता रहा हूं, आपके पास गन नहीं है तो कैसे निकालेंगे। एक हथौड़ी लिए मैंने, हैमर उल्टा किया और इसको ऊपर से रखा। अब सिंपल इसको दबाना शुरू करेंगे। और ये सिलिकॉन को स्टोर करूंगा मैं ये कैप में। इसको अगर आप चाहें तो किसी सीरिंज में भर के भी यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको फिंगर से यूज करूंगा क्योंकि वहां पे जगह कम है। मैं इस तरह से पूरा लगा लेता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। अब आप देख रहे हैं ये मैंने साइड साइड से पूरा सिलिकॉन लगा दिया, और सिलिकॉन इस जाल में कुछ इस तरह फिट हुआ। जैसे ये जाल है, इस जाल में मैंने भरा और फिर पीछे भरा, पूरा गैप भरा, और इसके ऊपर एक लेयर सी बन गई। अब वो लेयर जब जमेगी तो इतनी हार्ड रबर हो जाएगी कि उसको इजीली निकाला नहीं जा सकता। आपने कभी विंडशील्ड को हटाते हुए देखा होगा तो आप समझ सकते हैं कि कितना हार्ड सिलिकॉन होता है ये। इसको काट के निकालना पड़ता है, वैसे नहीं निकलता। तो इस बात से तो बेफिक्र रहिए कि ये निकल जाएगा, निकलेगा बिल्कुल भी नहीं। और इसका खास फायदा यह है कि आपको गाड़ी में कोई ड्रिल नहीं करना पड़ा। अदरवाइज इसका एक ऑप्शन और था कि हम वहां पे ड्रिल करते और तीन चार पेच यहाँ पे टाइट कर देते तो इस तरह से रुक सकता था, लेकिन ये एक ऐसा तरीका है जिसमें गाड़ी में कोई ड्रिल नहीं है और बिल्कुल इजीली अच्छे तरीके से, और स्क्रैप की ये जाली लेके हमने यहाँ पे फिट कर दी है। तो अब इस तरीके से चूहे केबिन में तो एंटर कम से कम नहीं करेंगे, और इंजन वे में ना आए उसके लिए भी जल्दी आपको एक बेस्ट सोल्यूशन बताऊंगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाइएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।